क्वेश्चन नंबर टू, अ बैग कंटेन्स फोर रेड एंड फोर ब्लैक बॉल्स, ओके, अनदर बैग कंटेन्स टू रेड एंड सिक्स ब्लैक बॉल्स, जो मैंने एग्जांपल आपको अभी जस्ट दिया था ना, बिल्कुल ही उसी टाइप का है। अ बैग कंटेन्स फोर रेड एंड फोर ब्लैक बॉल्स, फर्स्ट बैग कंटेन फोर रेड एंड फोर ब्लैक बॉल्स मीन्स एट बॉल्स, सेकेंड बैग कंटेन्स सेकेंड बैग कंटेन्स टू रेड एंड सिक्स ब्लैक बॉल्स मीन्स एट बॉल्स, दोनों में एट एट बॉल्स प्रेजेंट है। ओके नाउ सी आगे क्या है, देखिए आगे स्टेटमेंट है, वन ऑफ द टू बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इन दोनों में से कोई एक बैग सिलेक्ट किया गया रैंडमली। ओके जैसे मैंने आपको कहा था कि दर्शन बाहर गया, उसने तीन बॉक्स देखे, तो उसके माइंड में कहां से बॉल लेना है ये जो चलेगा, तो वो जो तीन बॉक्स है हर बॉक्स की प्रायोरिटी हाफ 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 हो जाएगी और वो हमारे इवेंट्स E1 E2 E3 है। वैसे यहां पे इवेंट E1 आएगा, फर्स्ट बॉक्स इज सिलेक्टेड, फर्स्ट बॉक्स इज सिलेक्टेड, इवेंट E2 आएगा, सेकंड बॉक्स इज सिलेक्टेड। आप मुझे बताइए इन दोनों की प्रायोरिटी क्या आएगी, व्हाट विल बी प्रायोरिटी ऑफ E1 एंड व्हाट विल बी प्रायोरिटी ऑफ E2? गुड, दोनों की प्रायोरिटी हाफ आएगी, दोनों की प्रायोरिटी क्या आएगी, हाफ, इट विल बी हाफ। ओके अब देखिए, वन ऑफ द टू बैग्स इज सिलेक्टेड, ये रहा, एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने व्हाइट लिया था, ठीक है, फाइंड द प्रायोरिटी दैट बॉल ड्रॉन, बॉल ड्रॉन मतलब कौन सा रेड बॉल, ओके इज फ्रॉम फर्स्ट बैग, मतलब फर्स्ट बैग की पोस्टीरियर प्रायोरिटी फाइंड करनी है। हमारा इवेंट ए क्या रहेगा, रेड बॉल इज ड्रॉन, रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग, ये हमारा इवेंट है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन क्या रहेगा, देखिए रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए और ये बैग कौन सा है, इवन मींस रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग एंड द बैग वाज फर्स्ट बैग, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फर्स्ट बैग में चार रेड बॉल्स है, तो ठीक है, और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग गिवन दैट द बैग वाज सेकंड, तो प्रोबेबिलिटी 2/8, ओके इन्हें कैंसिल मत कीजिएगा, डिनोमिनेटर सेम रख दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन, बॉल मतलब रेड बॉल, ओके अब हमारे पास रेड बॉल गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम फर्स्ट बैग, फर्स्ट बैग की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो बाय बेस थ्योरम By base theorem, we have probability of even by A, posterior probability of first bag. This is probability of even into probability of A by even upon A ki total probability. Here is probability of even into probability of A by even plus probability of E2 into probability of A by even. Now what you have to do, you have to put these values. इन values का put up करो, probability of even आपका half आएगा, half into probability of A by even आपका 4/8 है, 4/8 denominator, half into 4/8 plus half into 2/8 डिनोमिनेटर 16 रहने दीजिए, कैलकुलेशन करना उतना आसान रहेगा, यू गेट 4/16 और डिनोमिनेटर में सी, ये पहला पार्ट 4/16 आएगा और दूसरा पार्ट 2/16 आएगा, तो ये इन ऑल हो गया 6/16, 16 कैंसिल, यू गेट 4/6 एंड दैट गिव्स यू 2/3, ये रहेगी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, मींस जो रेड बॉल निकाला गया है,
it was from first box is this. Yes, solve it and let me know if you have any doubt.